इतना ठंडा हो रहा है पहाड़ों में, न खाने को मन कर रहा है आजकल, न कहीं जाने को मन कर रहा है, बस बिस्तर से निकलने को ही मन नहीं करती। दीदी नीमा और दीपा, साथियों मेरी थोड़ा तबीयत खराब हुई थी ना, इन सबको चिंता होगी कैसे हुए करके, तो मिलने आए हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया, बड़ू को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक से पुष्पदोसाद ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। अभी ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं बिस्तर से। तो आज है संडे, उठने को मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है बाहर, बिल्कुल कोहरा लग गया है, एक घर से दूसरा घर दिख नहीं रहा है। तो दो मन होते हैं ना इंसान के, एक मन कह रहा है कि उठो जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा खाना बना के छत में धूप सेकने जाओ, एक मन कह रहा है नहीं बिस्तर में सोए रहो। और आप सभी को हैप्पी हैप्पी क्रिसमस प्यारे बच्चों को, और हैप्पी तुलसी पूजा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, त्योहारी चाहे सबके अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुथे माया में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टीर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, रागी मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक ही। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अभी अभी सो के उठे हैं, तो ऐसे ही अभी बिस्तर हमारा बिखरा पड़ा है। तो पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे एक मोटे कंबल से भी काम नहीं चलता, एक मोटे कंबल के साथ एक रजाई का होना भी जरूरी है। और अब इनकी तहाई करती हूँ और बेडशीट वगैरह बिछा के फिर करती हूँ और काम। यहाँ पे अदरक है तो इसको जरा सा फैला लेती हूँ अदरक को, क्योंकि अभी इसमें हल्की हल्की नमी जैसी है, तो फिर अगर रखूंगी तो खराब हो जाएगा। एक बार ये हल्का हल्का इसकी नमी दूर हो जाएगी तो फिर इसको थोड़ा सा पराल बिछा के और एक टप या किसी में स्टोर कर लूंगी, ऐसे फिर खराब नहीं होगा। ये गांव से मंगाया है अदरक और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और यहाँ पे रख देती हूँ अभी धनिया भी, क्योंकि आज मेरा धनिया भी ख़त्म हो गया है। अभी तो यहाँ पे धूप आई नहीं है, बाद में धूप आएगी तो ये सूख जाएगा और बाद में मिक्सी में फिर धनिया को कूट लूँगी। आज है संडे, तो मैं जैसे ही बैठी थी तब तक मेरे फ्रेंड लोग आ गए मेरे से मिलने के लिए। मेरी दीदी बसंती दीदी, नीमा और दीपा।
साथियों मेरी थोड़ा तबियत खराब हुई थी ना, इन सबको चिंता होगी कैसे हुए करके, तो मिलने आए हैं। देखो हमारे पहाड़ों में कितना प्यार होता है, दोस्तों सब मिलने आ जाते हैं थोड़ा सा सर्दी जुकाम होने तक। आज हुआ है बहुत ज्यादा ठंडा, अभी सब लोग पी रहे हैं चाय, अब थोड़ा गप्पे सप्पे मारते हैं। और अभी ये मेरे फ्रेंड से मिलके भी आ रहे हैं बिमला से, और फिर यहाँ भी आ गए मेरे से मिलने मेरी बुढ़िया सी दीदी, मेरी बसंती दीदी बुढ़िया सी। दीपू ठीक है तू, बच्चे ठीक हैं? ठीक है पुष्पा दी। आजकल क्या क्या काम कर रही हो फिर घर में? आजकल सुबह 4 बजे उठते हैं, चाय पानी पी के जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, 9 बजे आते हैं, घर का काम करते हैं, फिर दिन में खाना हाना खा के फिर घर का काम करते हैं। बोलिए 4 बजे मत उठना ना दीपा। पुष्पा दी हमारे वहाँ सभी लोग उठते हैं, फिर हमको भी उठना ही पड़ता है, जंगल से लकड़ी लानी पड़ती है सुबह 4 बजे, पेड़ काटते हैं। सूखा पेड़ की कच्चा? सूखा पेड़ करते। अच्छा कच्चा मत काटना। हाँ जी हाँ हाँ। और इकट्ठा कर दिए फिर झाड़ू के लिए लकड़ियाँ? एक साल के लिए इकट्ठा कर देते हैं। दिन में बैठ के हम नींबू बनाते हैं, और मोल होल साड़ते हैं, घास हास के लिए जाते हैं, चाय पीते हैं, सारे पहाड़ में सब लोग इकट्ठा होके नींबू खाते हैं, ऐसी करते हैं दीदी सब। बोले दीपू धन्यवाद यार मेरे से मिलने आई। क्यों आए तुम वहाँ? मिल जाती मैं हॉस्पिटल में। यार पुष्पा दी आप हमारी बड़ी दीदी के समान है, आप भी हमारा इतना ध्यान रखते हो तो हमारा भी आने का फर्ज बनता है। बसंती मेरी प्यारी सी बसंती, इतना अच्छा लगता है ना बसंती दीदी से मिली तो, इतना इतना प्यार है उसके दिल में हमारे लिए। और सब ठीक हो रहा है? बढ़िया सब बढ़िया। और क्यों नाती ठीक छा देर सब बढ़िया? कहाँ बसु नाती ठीक, जैसे परेशान हरिन में हरिन, कदू फिर कहाँ देखे है, कदू फिर कहाँ देखे है, पोरो अलमारी गई, ठंड बुद्धि मेरा हाल खराब है। अब देहरादून में एक हॉस्पिटल में ले जाना चू, ऑपरेशन करना चू, कान कदू टेंशन हर। ठीक है जल्द, ठीक है जल्दी, ठीक है जल्द, चिंता नहीं कर। परेशान हरिन अब बिमला तू परेशानी मतलब तू किले खाली मिलू मम्मी वहां तो मिल जी। अरे बिमला तबियत खराब है भी मिल गो, बिमला तक भेंट करू और क्यों तुम गला भेंट करू कभी आई ना, वो मुश्किल से बहुत टाइम मीटिंग में आई से नहीं आई ना उन पर टाइम बसंती ने जब तुम बुड़बड़े आला जब तब जो जवान आशा जी नुलाल उन उन पक्का उन भो उन पर जब भी कोर्ट ने नेट ने फिर देहरादून ने जाना जो 20 दिन छुट्टी दिला मैं गए। और आजकल काम क्या करना चाहिए? काम क्यों करू रोज इधर उधर भाई मेरे के काम नहीं हो रहा थी, ठंडा बुद्धि अकड़ जानू 7-8 बजे ठाउ अब वहाँ जानी नहीं। अब काम क्यों करू शांत दिन भर मुकन्ना बोल। और जैसे बुढ़िया है ना बसंती दीदी, इतनी बुढ़िया है ये आशा भी है, लेकिन साथियों पता है अपने गांव की सारी डिलीवरी संस्थागत कराती है, हॉस्पिटल में ही लाती है, जैसे भी लोग हो जो नहीं भी आना चाहिए कैसे करती है, कैसे बुतियाती है उनको? मैं तो बिल्कुल बढ़िया उन्हें दगा जाए उनको बढ़िया बतून समझून बुजुन सब बढ़िया मानी मेरे एक 1.5 महीना भज तुरंत मेरे को बतूनी आशा मैडम, आशा मैडम ये सर वो सर कभी बतूनी और क्यों कोनी कदिन हिस्सा हॉस्पिटल और जांच कदिन करता अल्ट्रासाउंड कदिन करता टाइम टाइम में मिले जाते रूनू वहाँ उल बताते रूनी मेरे और क्यों कोनी पहले आते जाते रूनी और मैं बुद्धि घर काम के निहोन और कोई जो क्यों को खाता नंबर आधार नंबर मी कोई मतलब एक क्यों को डिलीवरी वाली उन्हीं कर सब बुक जम कर पहले। चल बसंती बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलू हल तू बहुत लागो ने मिल को फिर भो वहां जानी पोर्स मदेरा दोनों जानी मिल हिन्नो कभी आईन पे फिर मेरे को चुक चुक आटे रोसी चलती रू तो मिल उसके मतलब उसके कर रहा थी हाल खराब है भाई मेरे को टेंशन हो गई टेंशन हो गई आपकी बतू बोली। और बसंती अब ध्यान दे और घर में सब बढ़िया रहो? सब बढ़िया। और दादा लोग सब ठीक छीन? सब ठीक सन, ठीक सन। अच्छा चल हाँ ये देखो रे अब जाने लगे बैठो रे, थोड़ी देर में जाओगे जाते हैं थोड़ी देर में जाओगे यार। नहीं बैठो तो आप इंतजार कर रहा होगा। चलो यार बैठो यार जरा और अभी कोई नाश्ता नाश्ता बना के जाओगे जहाँ पर होती है तो बैठी ही रहती है उसका भी तो सोचो ड्राइवर का भी तो सोचो दो दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात
बोले मेरी बसंती दीदी का मन नहीं हुआ जाने को, नीमा और वो भाग गए, देखो ये भागने लग गए मैडम। कभी फिर मिलते रहेंगे, अब तो देख दिया हमने यहाँ बुढ़िया हमें यहाँ ला के दिखाई दिया, कहीं नहीं देख रहा है बिमला के वहाँ भी नहीं देखा था और पुष्पा मैडम के वहाँ भी नहीं देखा था, आज मैंने ही दिखाया इनको, जो दिन भर गाली देने में है मेरे को जारी करके। अच्छा हाँ चलो ठीक है, बस यहीं पर अपनी भाई को विराम देती हूँ। तो साथियों आज हमने छत से ड्रोन से लिए हैं कुछ प्यारे से शॉट्स, तो आप लोग भी आनंद उठाइए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो साथियों आज मेरे दिन भर का सफर, सुबह उठी मैं आज संडे के दिन 9 बजे और उसके बाद बनाया खाना, फिर झाड़ू पोछा किया और कपड़े तो आज धोए नहीं दोस्तों, इतना ठंडा हो रहा था पानी में बिल्कुल हाथ लगाने को मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद खाना खाया तो फिर बसंती दीदी लोग आ गए थे मिलने, फिर उनके साथ गप्पे सप्पे मारे, तो उसके बाद फिर हमारे हल्द्वानी वाले चाचा ससुर जी आ गए थे, फिर थोड़ी देर उनके साथ बैठे और थोड़ा चाची लोगों की याद खबर पूछी। अब हमारे चाचा थोड़ा 10-12 दिन गांव में ही रहेंगे, तो गांव में बना रहे हैं चाचा लोग एक बाथरूम, कभी कभी आते हैं क्योंकि अब पुराना वाला जो है ना वो खराब हो गया है, तो उसके बाद बस अभी इतना ठंडा हो गया साथियों, अभी काम तो है जैसे सब्जी वगैरह बनानी है रात की और बहुत है, लेकिन बहुत ठंडा हो गया तो मैं बिस्तर में बैठ गई हूँ, इतना ठंडा हो रहा है पहाड़ों में, न खाने को मन कर रहा है आजकल, न कहीं जाने को मन कर रहा है, बस बिस्तर से निकलने को ही मन नहीं कर रहा, उतना ठंडा हो रहा है, पता नहीं मुझे ही हो रहा है या सबको हो रहा है, लेकिन सभी लोग कह रहे कि ठंडा बहुत हो रहा है करके। तो साथियों ठंडा इतना है कि कहीं भी जाने का है नहीं, संडे के दिन भी कहीं जाने का नहीं हो रहा, आज तो बिल्कुल घने बादल लगे थे, धूप भी बहुत ही कम आई, तो अब हो गई है शाम, तो एक भजन कह लेती हूँ फिर आप लोगों के सामने। आ जाओ शंकर जी, आ जाओ भोले जी, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में, तेरे डमरू की डम डम सुन के गणपति जी आगे, गणपति जी आगे, वो रीति को संग लाए,
को सीती को संग लाए मेरी मकान में। आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, तेरे डमरू की डम डम सुन के ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। वो सरस्वती को लाए मेरे मकान में। आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। डमरू की डम डम सुन के, तेरे डमरू की डम डम सुन के विष्णु जी आ गए। वो लक्ष्मी को संग लाए मेरे मकान में। आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की डम डम सुन के, तेरे डमरू की डम डम सुन के कृष्णा जी आ गए। वो राधा को संग लाए मेरे मकान में। आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरे डमरू की डम डम सुन के, तेरे डमरू की डम डम सुन के रामा जी आ गए। वो सीता को संग लाए मेरे मकान में। आ जाओ भोले जी, आ जाओ शंकर जी, मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तो अब यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। हैप्पी ठंडा सबको, सभी लोग खूब आग सेकें और जाड़े में ना भटकें इधर उधर, और अपने आप को ठंड से बचाएं। जान है तो जहान है।